यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करप्शन करने वालों पर लगातार एक्शन कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा उन तत्कालीन अधिकारियों पर गाज सुनिश्चित है। शासन के द्वारा पूर्व में नोएडा प्राधिकरण में रहे मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। मुकेश गोयल वर्तमान में गोरखपुर में तैनात हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश भी दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर 16 और 17 को अवैध ठहराते हुए दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया था। दोनों ही टावर 40 मंजिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए दोनों टावर्स को 3 महीने में ढहाने के आदेश दिए थे। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2014 में टावर्स को 4 महीने में गिराने और खरीदारों को पैसे लौटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से सुपरटेक को 2 अतिरिक्त 40 मंजिला टावर्स की कंस्ट्रक्शन की मंजूरी देना नियमों का उल्लंघन था, जबकि कोर्ट में सुपरटेक ने दलील दी कि ट्विन टावर का निर्माण गैर कानूनी नहीं है। बिल्डर की इस दलील को कोर्ट ने खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिल्डर को फ्लैट के खरीदारों का पैसा 2 महीने में वापस करना होगा। 40 मंजिला ट्विन टावर में कुल मिलाकर तकरीबन 1000 फ्लैट्स हैं। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 93 में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये भी दिया कि खरीदारों को पैसा लौटाने के बाद RW को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।